हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित मोटो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, कावासाकी कंपनी के टी एम 125 को सीधा टक्कर देने के लिए अपनी एक 125 सीसी सेगमेंट की बाइक को लाने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर, जिसके नाम रहने वाला है दोस्तों कावासाकी Z125 CC। अब ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी। साथ ही जो इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं यार, काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। साथ ही काफ़ी एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं और दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाएगी सबसे कम प्राइस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 125 CC में सबसे कम प्राइस में इतनी अच्छी बाइक देखने को मिलेगी आपको इंडियन मार्केट के अंदर। तो भाई, इसके अपन सारे फीचर्स आने वाले हैं, साथ ही कब तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर वो भी जानने वाले हैं, और दोस्तों इसका क्या प्राइस रहने वाला है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं दोस्तों। तो भाई, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इसके लुक की। तो लुक आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, आपको ऐसा लुक देखने को मिलेगा इसके साथ में, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक रहने वाला है दोस्तों। वहीं पे लाइटिंग सेटअप की भी बात करें तो इसके अंदर अपने को फ्रंट के अंदर फुल्ली एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। साथ ही जो इसमें टेल लाइट मिलने वाली है वो भी आपको पूरी एलईडी के अंदर मिलने वाली है। अब जो इंडिकेटर मिलने वाले हैं वो आपको हेलोजन में मिलेंगे दोस्तों, आपको जो इंडिकेटर हैं वो एलईडी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इंजन की बात आ जाती है तो इसका जो इंजन है वो आपको 125 CC का एकदम न्यू इंजन मिलेगा, जो कि लिक्विड कूल इंजन रहने वाला है। और ये इंजन आपका BS7 वाला रहेगा, कहने का मतलब BS6 Phase 2 वाला रहेगा दोस्तों, जो कि OBD2 सेंसर पे वर्क करेगा। इसी के साथ में E20 कैपेबल भी रहने वाला है, यानी 20% इथेनॉल भी आप इसमें यूज ले सकते हैं। इंजन के पावर की बात करें तो 15 BHP तक की इंजन पावर प्रोड्यूस कर देता है। इसी के साथ में इसके ब्रेकिंग सिस्टम की भी बात करें तो दोस्तों, इसमें अपने को ड्यूअल डिस्क के साथ में ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। साथ ही सेफ्टी वाइज आपको साइड स्टैंड कटआउट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब भाई, बात आ जाती है कि इसमें मीटर कैसा मिलने वाला है। तो इसके अंदर अपने को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। हालांकि मीटर जो रहने वाला है वह आपका थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पूरा डिजिटल देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको GPS वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इसमें राइडिंग मोड्स भी मिलने वाले हैं। हालांकि इसमें कितने राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मिनिमम आपको 2 राइडिंग मोड्स तो जरूर मिलेंगे। अब बात आ जाती है सस्पेंशन की। तो भाई, फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक का, वही रियर में आपको मोनोसॉक्स का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बात कर लें इसमें अपने को, ये गाड़ी जो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आने वाली है। और माइलेज आपको बताऊं तो इसमें आपको 30 से 40 KMPH तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा आसानी से सिटिंग राइडिंग के अंदर। तो भाई, आपको ये बाइक कैसी लगी यार, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका लुक है ना यार, 125 CC सेगमेंट के हिसाब से वो आपको कैसा लगा यार, ज़रूर बताइएगा। मेरी पर्सनली बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लुक लगा। इसी के साथ में मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा, प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया यार 125 CC सेगमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो आपको 1,20,000 से 1,30,000 रुपये के बीच में देखने को मिलेगा, वो भी इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है दोस्तों। यानी आपको काफ़ी सस्ती बाइक देखने को मिल रही है, वो भी इतने सारे फीचर्स के साथ में। अब बात आ जाती है इसके लॉन्च डेट की, कि कब तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। तो भाई, कंपनी जो कावासाकी कंपनी है, इसे 2023 तो चली गई है दोस्तों, दिसंबर आ चुका है। अब ये गाड़ी आपको 2024 में देखने को मिलेगी, वो भी मिड मंथ के अंदर, यानी जून से जुलाई के बीच में ये गाड़ी अपने को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो भाई, इस गाड़ी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।